अस्सलाम वालेकुम भाइयों भाइयों, ये किसी ने फेसबुक ग्रुप में पजल सॉल्व करना चाहा और पोस्ट किया कि मुझे आगे बताएं इसमें आगे और क्या स्टेप हो सकता है, क्योंकि वो स्टक हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैं हेल्प करूँ, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ अपने तरीके से, देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर देखें 2 3 7 4 7 2 4 7 2 3 4 7 8 2 3 7 8 2 3 7 8 2 7 8 7 6 6 इज द ओनली नंबर कम वंस इन दिस ब्लॉक, ठीक है। और इसमें भी देखें, रो में भी 6 और कहीं नहीं आ रहा, तो ये हो गया हमारा पक्का 6। इस 6 की वजह से यहाँ पे जहाँ जहाँ 6 है की पॉसिबिलिटी थी, वो अब हो गई कैंसिल। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अच्छा यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जो एक दफा आया है, 5, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटर राइट, और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट। जब मैं इस 5 को 5 बनाऊंगा, ठीक है, तो ये 5 हमारा यहाँ से हट जाता है और फिर ये हमारा 5 हो जाएगा। लेकिन इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम लोग 9 को देखते हैं। ये जब हमने 9 बनाया तो ये 9 है यहाँ से हट गया, ये 9 यहाँ से हट गया, ये 9 यहाँ से हट गया, इस लाइन में ये 9 यहाँ से हट गया और ये 9 यहाँ से हट गया। ये 4 अकेला रह गया था, इस 4 को हम लोग करते हैं 4। और यहाँ पे ये 4 नहीं हो सकता, ये 4 नहीं हो सकता, यहाँ पे और कहीं 4 है नहीं। अच्छा, ये 5 क्योंकि इस ब्लॉक में वो अकेला है, तो ये हो गया 5, ये 5 यहाँ से मिस हो गया। ये हो गया लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। अब क्योंकि हमें 5 यहाँ से कैंसिल किया, तो अब ये एक ही जगह पे 5 है और इस जगह पे और 5 नहीं आता, तो ये हो गया हमारा 5, ठीक है। ये हो गया राइट सेंटर लेफ्ट, ये हमारा 5 का जो है पेयर पूरा हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है। चूंकि ये मेरी नज़र में 3 7 3 7 का मैचिंग पेयर है, क्योंकि ये विद इन द ब्लॉक है, एक तो ये 7 नहीं आएगा यहाँ पे और ये 7 नहीं आएगा, ये 3 यहाँ पे नहीं आ सकता। दूसरा, 3 7 3 7 का मैचिंग पेयर मतलब एक ही ब्लॉक में और एक ही रो के अंदर या कॉलम के अंदर है, तो आगे जो रो है या कॉलम हो उसमें फिर वो 7 या फिर वो 3 नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखें आप, यहाँ से अगर मैं इस 7 हटा दूँ तो ये हो जाता है 9, ठीक है। इस 9 को हमने हटाया, ये हमारा 4 7 4 7 का मैचिंग पेयर बन गया है, क्योंकि हमने अब ये हटाया था, तो ये हो गया हमारा 8। अब जहाँ जहाँ 8 है उसको अगर हम लोग ओमिट कर दें तो हमें हमारा अगला नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या, तो ये हमें 2 मिल गया, इस 2 को हटाएं, ठीक है। यहाँ पे इस 2 को हटाएं, इस 2 को हटाया, इस 2 को हटाया, यहाँ पे इस 2 को हटाया, इस 2 को हटाया, जब इस 2 को हटाया तो ये हमें 9 मिल गया। हमने 9 लगाया, इस लाइन में 9 किसको हटाया, यहाँ पे कहीं 9 नहीं, फिर हमें ये मिल गया 7। इस 7 को हमने लगाया, यहाँ से इस 7 को हटाया, इस 7 को हटाया, इस 7 को हटाया, इस 7 को हटाया, यहाँ से इस 7 को हटाया, इस 7 को हटाया, इस 7 को हटाया, यहाँ पे हमें से भी अकेला 1 मिल गया। इसको हमने 1 लगाया, यहाँ पे 1 लगाया, तो ये 1 नहीं हो सकता, ये 1 नहीं हो सकता, और इस लाइन में और कोई जगह नहीं, ठीक है। ये 9 अकेला पड़ गया, इसको हमने 9 लगाया, यहाँ पे इस 9 को हटाया, ठीक है। ये 6 अकेला हो गया, इस 6 को लगाया तो ये 8 हो गया,
जब ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, जब ये 8 हो गया तो ये 1 हो गया, जब ये 1 हो गया तो ये 8 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, जब ये 3 हो गया ये 7 हो गया और फिर ये 3 हो गया। अब हम देखें 1 3, ये 3 अब यहाँ पे किसी काम के नहीं है। 5 यहाँ पे 8 है तो ये 8 नहीं होगा, ये 8 नहीं होगा। 9 यहाँ पे 9 और 4 2, उसके बाद हमने यहाँ पे चेंजिंग की थी, ये 6, ये 6 नहीं होगा तो ये हो गया 7, ये 7 हुआ तो फिर ये हो गया 6। जब ये 7 है तो इस 7 को हटाया, इस 7 को हटाया, 2 3 2 3 मैचिंग पेयर हो गया, मतलब कहीं और अब 2 नहीं आ सकता या 3 नहीं आ सकता, तो उसकी बदले फिर ये हो गया हमारा 7। इस 7 ने इसको हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, ये 2 हमारा अकेला रह गया, इस 2 को हमने लगाया, इस 2 की वजह से ये हो गया हमारा 7 और यहाँ पे और कहीं 2 नहीं था। ये 2 को हटाया तो ये हो गया हमारा 4, इस 4 को हटाया, इस 4 को हटाया, इस 4 को हटाया तो ये हो गया हमारा 3, इस 3 को हमने यहाँ से हटाया, 3 को हमने यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, इस 4 की वजह से ये हो गया हमारा 7 अकेला, ये हो गया 7, ये हो गया 4, इस 7 की वजह से ये हो गया 2, इस 2 की वजह से ये 2 यहाँ से हटा, ये हो गया 3, ये 3 हो गया, ये 3 हटा तो ये हो गया 2। ठीक है, और ये हो गया यहाँ से 3 हटा तो ये हो गया 1, ये 1 हो गया तो ये 1 का हटाया तो ये हो गया 6, इस 6 को अगर हमने हटाया तो ये हो गया 3। इस 6 को हमने यहाँ से हटा दिया, ये हो गया 1 9 1 9 का मैचिंग पेयर, तो ये यहाँ पे सिर्फ 6 रह गया था, इसको कर दिया हमने 6। यहाँ पे अगर देखें 1 2 3 खाने हैं लेकिन नंबर कितने, 1 2 3 4, 7 8 1 9, अच्छा 1 है तो इसको भी हटा देंगे तो ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया हमारा 1, इसकी वजह से ये हो गया 8, ये 8 को हटाया यहाँ से, इस 8 को हटाया यहाँ से ये हो गया 7, इस 7 को हटाया यहाँ से ये हो गया 8, ये 4 अकेला था इसको किया 4 और इस 4 को हटाया तो ये हो गया हमारा 9। ये है मेरा तरीका किसी भी डिफिकल्ट पजल को सॉल्व करने का, और वाकई में बहुत इजी था।